भाई क्या था ये? हाय हाय छोड़ो, इधर देखो आप, हो रहा हमारा क्लास, दुआ करो तक तक मेरे हो रहा है, मालूम नहीं कौन कौन आया होगा क्लास में। आज हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज। फिलहाल अभी घर से निकले हम, वहाँ पीछे से आ रहे दूर पहाड़ों से, और अभी कॉलेज के रास्ते पे हमें जाना है IMC चौक पे। अभी फिलहाल IMC चौक से हमें बस लेना है, फिर बस से हमें जाना है भादराबाद, फिर भादराबाद से बस लेना, भादराबाद से हमें जाना है कॉलेज पे अपने। और ये व्लॉग मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि डेढ़ महीने से, लगभग डेढ़ या दो महीने से हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी, तो छुट्टी पड़ी हुई, मतलब कोविड की वजह से कॉलेज ऑफ था। तो कॉलेज, मतलब कोविड की वजह से कॉलेज ऑफ था, तो डेढ़ दो महीने से लगभग क्लास के, मतलब जितने भी क्लासमेट्स वगैरह थे उनसे मिले नहीं हम, तो मैंने सोचा चलो आज मिलते हैं, मतलब आज से, हाँ तो आज से सेकंड सेम शुरू हो रहा है ना, तो मैंने सोचा चलो चल लेते हैं, आज रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे क्लास वालों का क्या होता है। वैसे रिएक्शन कुछ नहीं देंगे, पर फिर भी मैंने सोचा चलो, मतलब एक मीटअप हो जाएगा, मैंने सोचा चलो इंट्रोड्यूस करा देंगे एटलीस्ट अपने दोस्तों से कॉलेज के, अगर आए होंगे तो। बाकी देखते हैं, उम्मीद नहीं, मतलब मालूम नहीं अभी कि कौन कौन आया होगा कौन कौन नहीं आया होगा, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं जल्द, बाय। अभी फ़िलहाल तो जा रहा है पैदल ही, और उम्मीद करते हैं किसी से लिफ्ट मिल जाए, या कोई लिफ्ट के लिए भी नहीं आ रहा, अगर कोई आए तो उसे लिफ्ट मिल जाए, फिर चल लेंगे नवोदय, मतलब क्या बोलते हैं IMC चौक तक, फिर उसके बाद बस वगैरह है ही है, देखते क्या होता है। चलना नहीं पड़ा मुझे, लिफ्ट मिल गया था, अभी हम IMC चौक पे गारंटी, और यहाँ पे बस का वेट कर, टाइम हो रहा अभी 8:53 और शायद 9 बजे, मतलब हमारी बस आती है क्योंकि हर 15 मिनट तो हर 15 मिनट पे आती है, तो 9 बजे का वेट करें, 9 बजे आएगी बस, फिर उससे जाएंगे भादराबाद से हिमालय के। मतलब यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना, मुझे यही सुनने को मिलता है, ये गुप्त रोगों का जो इलाज करने के लिए होते हैं उनके, अरे यार कितनी आवाज़ आ रही है, गुप्त रोग का अगर किसी को दवा कराना हो यही आ जाना, बीच पर छोटी घर, बस मिनट वेट करना पड़े, फिर और बवासीर में आने वाला रक्त स्राव और गठियावाद का इलाज किया जाता है, पेशाब पीला बार बार होना, पेशाब के साथ ब्लड नली में जाना, पेशाब में फुंसी होना, प्रेमा तथा सूजन इत्यादि सभी जगह नहीं है क्या? ये यान्या, मुझे तो बता रही कौन लड़की आगे जो है करियर से, और बाद में देखा तो यान्या अब वो गई थी कोर्ट जाने के बगल में, कौन है भाई क्या था ये? हाय हाय छोड़ो, इधर देखो आप, फिर से करो दोबारा, मैं एक्चुअली व्लॉग बना रहा था, ऑन है ना वीडियो, हाँ ऑन है। मैं जस्ट भादराबाद उतर के बस में बैठा, और बस में बैठते ही मैंने जे कैमरा ऑफ किया, पीछे से जानने हाई करी, मुझे लगा पहले कौन है ये, क्योंकि मास्क लगा हुआ था, ये मेरे को ऐसे देख रहा है ये, ना ना मेन ये था ना कि तुम आगे चढ़ने वाली थी, अब ये काफी आगे चढ़ने वाली थी, तुम मुझे लगा अभी ये भादराबाद में कैसे, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मेरे को लगी। अब वैसे तो वो था कि लड़कियां वैसे आए नहीं करती, अरे नहीं यार, अरे नहीं वैसे नहीं, मैं मजाक कर रहा, लेकिन फिर भी मैं देख, इस बंदे की गंदी आदत, हर बात को कह के ये
मजाक बना देता है। हां लाइब्रेरी चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, हमारी क्लास है ना। हां तो अभी हम दोबारा वीडियो पे आ चुके हैं। तो हम बात ये कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं भाद्रपद में उतरा और बस पे चढ़ा। बस में चढ़ने के बाद मैं जी ही कैमरा ऑफ कर रहा, पीछे से यानी हाई कर रही। मैंने बोला भाई पहले भी मुझे लगा ये कौन लड़की, क्योंकि मास्क लगा हुआ था। ये बंदा मुझे पहचान नहीं रहा है, क्योंकि इसे विश्वास नहीं हो रहा है कि रैंडम लड़की बैठी हुई मुझे हाई कर सकती है। रैंडम लड़की क्या, मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि तुम वहाँ पे होगे। अब मुझे लगा अभी ये कौन है, मैं कैसे जाता। फिर मैं ध्यान से देख रहा, मैंने बोला अरे ये तो जानना है। लेकिन वहाँ पे क्या कर रही थी? मैं अपने घर से आ रही हूँ डायरेक्ट। हाँ घर कहाँ है? नजीबाबाद। नजीबाबाद से डायरेक्ट हूँ। पहली अलोन जर्नी है, लाइक #18। अब पहली यादगार भी कितना रहेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। बाय द वे अभी हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्योंकि बुक लिया था हमने एग्जाम। और ये हमारे दोस्त का कॉल आ रहा है, जो बेचारा बेचैन हो रहा है। उठा के बोल देना, अभी काफी देर बाद आएंगे थोड़ा। हेलो। हाँ तो मैं ये बता दूँ, मैंने लाइब्रेरी रुक जा, पहले मैं बता दूँ, मैं लाइब्रेरी से मैंने बुक लिया था कि एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे कुछ, पर लिटरली बुक खोल के भी नहीं देखा, लेकिन फाइन लगा हुआ उस पर। तो मैंने सोचा चलो वापस कर दे रहा उसे, तो बस लाइब्रेरी में बुक वापस करने जा रहे हैं। लेके आई या नहीं? हाँ मैं लेके आई। हाँ तो बस चल। फाइन लगा यानी पे शायद 10-20 रुपए का होगा, और मेरे पे जहाँ तक मुझे उम्मीद है 70-80 रुपए का फ़ाइन होगा अभी, मतलब तीन बुक्स पे। एक जो प्रथम लेके गया उस पे तो अभी अच्छे खासे फ़ाइन होंगे 200 के। अब देखते हैं क्या होता है। अरे वो छोड़, मैं मालूम, चलो मैं टाइम बता देता हूँ। मैंने घर से पहले सोच सकता था ना कि लेट जाएंगे थोड़ा, कि क्लास जिस समय चल रही होगी सब लोग क्लास पे ध्यान दे रहे होंगे, और हम दरवाज़ा खोलेंगे और रिएक्शन तब प्रमोट करेंगे। मतलब अगर कुछ अच्छा रिएक्ट किया तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं किया तो भी अच्छी बात है। हाँ तो टीचर का मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी मैम पढ़ा रही होंगी, क्योंकि आज पहला दिन एक्चुअली सेमेस्टर का। मैम से जो भी मैम हो उनके सामने ऐसे कैमरा लेके घुसते, आप जो भी सोचे वो पर सोच घुसना ऐसे। मेन मालूम क्या होता है, पहले भी ऐसे हुआ था जब मैंने बोला था कॉलेज मैंने छोड़ दिया है। लेकिन फिर मैं उसके बाद आया था, तो मैंने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड की थी, मेरे पास पड़ी वो वीडियो, पर वो मतलब बाद में मैंने कैमरा नीचे कर दिया था। और पशुपति नाथ कर लेते हैं, मेरे पास तो एक्सक्यूज़ है कि मैं सीधे घर से आ रही हूँ और मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से। तो तुम्हें क्या? हाँ तो सही, तो प्राइवेट बस में इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस वाले मैडम एक साल में पहुंचाते हैं। बोल देंगे मैम एक तो लेट आऊँ, ऊपर से लाइब्रेरी में बुक इशू कराना था, लेट हो गया हमारी कभी। मैं अभी पहुंची मैम, मैडम मैं अभी पहुंची हूँ बस। मैं देख ऐसे इलेक्ट्रिक इंग्लिश थी शायद, जहाँ तक मुझे इंग्लिश पहली थी तो ये पहली तो है। नहीं 9 बजे से थी क्लासेस। सही में भाई मैं 10 बजे से कौन का सब, मैंने टाइमिंग मैंने पहला पीरियड देखा मुझे लगा 10 बजे से होगी शायद। नहीं पता था कि 9 बजे से क्लास, लिटरली नहीं पता था मुझे। हमारी क्लासेस हरी, अरे आगे से रास्ता है यार। उम्मीद करते यार बस बच्चे ऐसे देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि क्या ही बता मैं राजे का सबसे। अभी मैं सही में मुझे नहीं पता था 9 बजे क्लासेस, 9 बजे मुझे पता रहता मैं 8 बजे से उठ के भाग जाता हूँ। कोई नहीं चलते हैं, क्लास हुई है ना, अरे घुस जाएंगे। अरे इतना भी क्या डरना, वो रहा हमारा क्लास, दुआ करो जब तक मेरे हो रहा है, मालूम नहीं कौन कौन आया हुआ क्लास में। आ जाओ चल 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 ऐसे डॉन बन के चलना है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी।